और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मुंबई में PFI को मिला कोरोना शवों को दफनाने का जिम्मा। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा, प्रतिबंधित संगठन पर मेहरबानी क्यों। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। PFI को महाराष्ट्र सरकार की बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों को दफनाने का जिम्मा सौंपा है, जिस पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार से जवाब मांगा कि आखिर PFI को यह जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, जो देश के कई राज्यों में प्रतिबंधित है। फडणवीस ने पूछा, क्या CM उद्धव ठाकरे इसे सही मानते हैं, और यदि नहीं तो क्या वे सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को तत्काल खारिज करेंगे। ये बड़ी शॉकिंग बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 18/5/2020 को एक परिपत्रक निकालकर कोविड से मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति का शव PFI इस संगठन को सौंपा जाए, इस प्रकार का आदेश निकाला है। PFI एक ऐसी संगठन है जिसके ऊपर देश विरोधी और समाज विरोधी कामों का आरोप है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई चल रही है। अभी अभी देश में CAA के निमित्त से कुछ जगहों पर जो दंगे हुए, उन दंगों में इनका फंडिंग है, इस प्रकार का ED ने आरोप पत्र भी तैयार किया है और उसके अकाउंट्स भी ED ने सामने लाए हैं। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना ये कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। और अगर ये बात उनको मंजूर नहीं है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, जिन्होंने ये निर्णय किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे, और क्या तुरंत इस निर्णय को बदला जाएगा, ये हमारा उनसे सवाल है। इस मामले पर पैदा हुए बवाल के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने पलटवार करते हुए इसे भाजपा की द्वेष फैलाने वाली मानसिकता करार दिया। अनीस अहमद ने खुलासा किया कि पुणे महानगर पालिका ने भी PFI को यही काम सौंपा है जहां BJP की सत्ता है, आखिर वहां के लिए फडणवीस सवाल क्यों नहीं उठाते। आइए सुनाते हैं अनीस अहमद ने और क्या कहा। महाराष्ट्र के XCM देवेंद्र फडणवीस का जो ट्वीट आया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को क्यों मुंबई में कॉरपोरेशन ने बरियल सर्विसेज का परमिशन दिया है, तो देखिए ये जो एक ट्वीट है इससे पता चलता है कि BJP की मेंटेलिटी क्या है। जब भी कोई इंसानियत के लिए काम करता है BJP को उससे प्रॉब्लम है। ऐसा एक वक्त जब पूरा इंडिया कोविड से लड़ रहा है, जब इंसानियत के लिए लोग काम कर रहे हैं, ऐसे टाइम पर भी आकर अगर BJP जैसी एक पार्टी पॉलिटिक्स खेलती है, इससे पता चलता है कि क्यों महाराष्ट्र के लोगों ने BJP को वहां से पावर से निकाल दिया। क्योंकि ऐसे ही एकदम चीप पॉलिटिक्स BJP जो करती है उसकी वजह से आज महाराष्ट्र में वो लोग वहां पावर में नहीं है। दूसरी चीज जो है, एक बड़ी पॉलिटिक्स लोग यहां पर ये खेल रहे हैं कि मुंबई में उनका शिवसेना और कांग्रेस के साथ कुछ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पॉपुलर फ्रंट को स्केपगोट बनाया जा रहा है। लेकिन फडणवीस ने ये नहीं कहा कि पूना में जो कॉरपोरेशन है, जिस कॉरपोरेशन में BJP की हुकूमत है, उस पूना कॉरपोरेशन में भी पॉपुलर फ्रंट को ये परमिशन मिला है। 101 डेड बॉडीज फ्यूनरल्स हमने वहां पर भी किया है। तो ये एक पॉलिटिक्स से एक चीज दिखाते हैं, दूसरी चीज नहीं दिखाते हैं। तीसरी बात यह है कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरी इंडिया के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है। अलग अलग काम हमने कोरोना के इशू के वक्त किया, उसमें राशन किट का हो या फिर फूड किट हो या फिर माइग्रेंट लेबर्स को घर पहुंचाना हो या फिर जो फ्यूनरल सर्विसेज हैं, अपने हमारे कैडर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे काम कर रहे हैं। और ये काम करने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के दिलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए जो एक जगह बन चुकी है अक्रॉस द कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी नहीं, अक्रॉस कम्युनिटी में अलग अलग समुदायों के अंदर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए एक एक्सेप्टेंस बना है, इस एक्सेप्टेंस से इन्हें एक एलर्जी है, इसलिए हम देखते हैं कि स्टेटमेंट कर रहे हैं। और जो एलिगेशन हम पर लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है। हम देखते हैं कि बार बार ऐसे एलिगेशन आए हैं और कभी भी कोई एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ और होगा भी नहीं। हम ऐसे एलिगेशन से डरने वाले नहीं हैं और ऐसे ट्वीट से हम लोग डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। जो इंसानियत को जो खिदमत करने का जो एक काम हम लोग लेकर चले हैं वो हम लोग करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।